अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विंडोज़ की अपडेट और सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जितनी भी सेटिंग्स हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विंडोज़ अपडेट और इसकी डिफरेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो विंडोज़ की सेटिंग में जाने के लिए आप अपने स्टार्ट की के ऊपर प्रेस करेंगे। वहाँ से आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब हमारी विंडोज़ की अपडेट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं जिसमें आपको वो डिफरेंट अपडेट्स सर्च करके आपको बताएगा। नेक्स्ट ऑप्शन विंडोज सिक्योरिटी का है, यहाँ से आप ओपन विंडोज सिक्योरिटी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको सारे सेक्शन आ रहे होते हैं। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप यहाँ से विंडोज सिक्योरिटी के सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको विंडोज डिफेंडर के ऊपर ले जाता है। वहाँ जाके आप अपनी सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं, लैपटॉप को स्कैन कर सकते हैं और डिफरेंट फायरवॉल सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बैकअप का है। ये तब जरूरत पड़ता है आपको कि अगर आपने अपनी विंडोज को चेंज करना है या आपने अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है तो आप अपनी विंडोज को बैकअप बना सकते हैं। यहाँ पे बैकअप बनाने के लिए आप यहाँ पे डिवाइस को ऐड करेंगे। कोई भी डिवाइस जिसकी स्पेस 16 GB से ज्यादा होगी वो आप यहाँ पे अपनी ऐड कर लेंगे और उसके बाद अपनी सारी फाइल्स को बैकअप बना लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रिकवरी का है। आप यहाँ से अपने पीसी को रीसेट भी कर सकते हैं, प्रीवियस विंडोज के वर्जन में भी जा सकते हैं, एडवांस स्टार्टअप में भी जा सकते हैं और वो रिकवरी ऑप्शन भी हैं। ये ऑप्शन आपके तब यूज होंगे कि अगर आपकी विंडोज में कोई इशू नहीं है, अगर आपकी विंडोज करप्ट हो गई होगी तो आप यहाँ से उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास अपनी विंडोज की क्लीन कॉपी की डिस्क पड़ी हुई है कोई तो आप यहाँ से उसको विंडोज को अपने प्रीवियस वर्जन के ऊपर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेशन का है। यहाँ से हमें अपनी विंडोज की एक्टिवेशन का पता चलता है कि आपकी क्या विंडोज एक्टिवेट हैं। यहाँ पे आपको बता देगा कि आपकी विंडोज जो है वो डिजिटल लाइसेंस के साथ एक्टिवेट हुई है, आपके अकाउंट के साथ लिंक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास फाइंड माई डिवाइस का है कि अगर आप अपने डिवाइस को यहाँ से सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ये आपके पास लिंक आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी डिवाइस को चेक कर लेगा। यहाँ से इस वक्त आपको सिर्फ वो ये बता रहा है कि फाइंड माई डिवाइस का जो स्टेटस है वो इस वक्त ऑन हुआ है। इसको ऑन ही रखें ताकि अगर आप अपनी डिवाइस को ढूंढना चाहें तो आप अपनी डिवाइस को ढूंढ सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ जाके आप अपनी डिवाइस को सर्च कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं और आप डेवलपर मोड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके अपने डेवलपर मोड को ऑन कर लेंगे। डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ से आप अपनी कर सकते हैं, जैसे आप अपने जो भी नए ऐप्स आप बना रहे हैं वो आप यहाँ पे इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। इन सारी सेटिंग्स को अप्लाई करते हुए अगर किसी को कोई मसला आए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने और चैनल को पसंद करने के लिए शुक्रिया। इस तरह की मजीद और वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।